ईडी कडल्यान आपल्याक समन्स येतले हे हांव जाणत आशिल्लो, मात हांव वागपी न्हय अशे शिवसेनेचे फुडारी संजय राऊत हाणें ईडी मुखार हाजीर रावपाचे समन्स आयले उपरांत वक्तव्य केले. बंडखोर आमदारांनी कितले यत्न केले तरी हांव त्या यत्नांक त्यांच्या येस मेळपाक दिवचो ना, हांव गुवाहाटीत वचचो ना अशें तो म्हणटा. हांव बाळासाहेबांचो शिवसैनीक, हांव म्हज्या पार्टी वांगडाच रावतलो, हांव ईडी मुखार हाजीर रावतलो, मात कांय कामाक लागून हांव ईडी कडल्यान वेळूय मागून घेतलो अशें राऊत हांणी म्हटलां. जिस तरह की राजनीतिक हलचल मुंबई में चल रही है, महाराष्ट्र में, देश में चल रही है, तो मुझे पूरा अंदेशा था कि मेरे बारे में मुझे रोकने के लिए, शिवसेना को रोकने के लिए कुछ लोग इकट्ठा आएंगे महाराष्ट्र के खिलाफ और मुझे और मेरे कोई साथी हुए उनको तकलीफ देंगे. लेकिन चाहे आप मुझे कितनी भी तकलीफ दीजिए, मुझे फांसी पर चढ़ाइए, मेरी गर्दन काट लीजिए, मैं गुवाहाटी जाने वाला नहीं हूँ. मैं आपको बताता हूँ, मैं बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है उनके साथ खड़ा रहूँगा और उनकी साख बचाने के लिए आखिरी सांस तक मैं लड़ता रहूँगा, चाहे मुझे आप गोली मार दो या मुझे जेल डालो. मेरी अलीबाग में सभा है और भी सभाएं मैंने शेड्यूल की है पार्टी की तरफ से, उसके बाद मैं ईडी से टाइम ले लूँगा. लेकिन ज़रूर मैं ईडी के दफ्तर में जाऊँगा और जो कानूनी प्रक्रिया है उनके सामने जाऊँगा. मैं भागने वाला नहीं हूँ.